हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग बेस्ट। सो मैनी मैनी क्या कहते हैं, मतलब बहुत दिनों बाद जी वेलकम, तो वेलकम बैक। जब आप एक तरतीब से चल रहे हों, वहाँ से आप जरा सा आगे पीछे हो जाएँ, तो फिर आपकी वो तरतीब नहीं रहती। तो मेरे भी यही था, मैं डेली व्लॉगिंग करती थी। जब मेरे 15 डेज़ का गैप आया, तो 15 डेज़ का गैप आया, तो फिर बस उसके बाद जब मैंने वीडियो एक ही डाली आई थिंक, सो बाकी शॉर्ट्स वीडियो कुछ डाली हैं, तो उसके बाद मैं कोई भी जो है अपना व्लॉग नहीं डाल सकी। तो आज से मैं पक्का इरादा करती हूँ कि अब मैंने डेली व्लॉगिंग करनी है, जैसे मैं पहले करती थी। कोई बात नहीं, मेरा अभी मेरे चैनल का ऐसा है कि अब मैं बस समझो मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, तो बहुत दुख हो रहा था। एक तो सर्दियाँ आ गई ना, मच्छर। अच्छा, तो अभी जो है, और अभी मैं टाइम आपको बताती हूँ, 3:30 बज रहे हैं, और अभी मेरे माइंड में एकदम आया है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने कुछ ना कुछ व्लॉग में डालना है, तो बस मैंने अपना मोबाइल उठा लिया है। तो आज का हम व्लॉग इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाजमी डालेंगे, अगर मेरे से पूरा हो सका तो। आई थिंक 2-3 डेज़ पहले भी मैंने ऐसे ही व्लॉग स्टार्ट किया था, बट मैं पूरा उसको नहीं कर पाई और मैंने व्लॉग डिलीट कर दिया था, मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो आज मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं जो है अपना व्लॉग अपलोड करूं। और जो है बस अभी हम लोगों ने अभी नहीं, टाइम तो हो गया, मतलब 1 बजे तक हम लोगों ने नाश्ता किया था, और अभी मैंने रूम वगैरह क्लीन करके भी फ्री हो जो है मैं बैठी हूँ। हस्बैंड साहब बाहर गए हैं, तो आज जो है मैं बनाने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ना दिल कर रहा था वेजिटेबल्स मीन मतलब सारी वेजी मतलब वेजिटेबल्स पुलाव वेजिटेबल पुलाव बनाने का। तो अभी हस्बैंड साहब जो है चावल, क्योंकि यहाँ पे हमारी ना 4 बजे दुकानें बंद होती थी, तो चावल ला के वो देंगे, तो बाकी वो आते हुए सब्जियाँ लेके आएंगे, और फिर हम आज बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। मुझे बहुत दिनों से दिल था वेजिटेबल पुलाव खाने का। तो बल्कि कल ही मेरे मामा से बात हुई, मेरे मामा को मैंने कहा अब जब मैं आऊँगी ना वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे, वेजिटेबल प्लस चिकन पुलाव, ना मैं चिकन भी डाल दूँगी बीच में, तो देखते हैं कैसा बनता है। बाकी जो है मैं आपको ना मैंने मतलब व्लॉग के लिए नहीं, मैंने वैसे ही अपने नाश्ते की वीडियो बनाई थी, क्योंकि आज मैंने ना स्क्वेयर फर्स्ट टाइम स्क्वेयर पराठा बनाया था। स्क्वेयर ही कहते हैं ना, हाँ डब्बे वाले, हाँ स्क्वेयर ही कहते हैं। तो मैंने वो पराठा बनाया है, मेरा इतना अच्छा पराठा बना, मैं आगे उसकी ना आप लोग अभी देखेंगे, तो मैं वीडियो डाल दूँगी जी। मैंने फ़र्स्ट टाइम स्क्वेयर पराठा बनाया, इतना मज़े का, इतना क्रिस्पी, और आप देख सकते हैं। बस यहाँ से थोड़ी सी मेरी शेप जो है ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़मीन पे लग गया था, तो मैंने यहाँ से उतार दिया था, इस वजह से शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई। बट बहुत मज़े का, बहुत क्रिस्पी लच्छेदार पराठा बना था, फर्स्ट टाइम बनाया मैंने। बाकी जो है बस मैं रूम वगैरह आपको दिखा देती हूँ, सब कुछ क्लीन हुआ है, सब जो है क्लीन वगैरह हुआ है। बाकी जी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों के कपड़े निकल आए हैं, गर्मियों के कपड़े अंदर चले गए हैं। बाकी जो है ये तो मैंने सेटिंग आई थिंक 5 to 6-7 डेज़ हो गए हैं मैंने जब ये सेटिंग की थी, तो अभी कल कितना लंबा मैं ये कर रही हूँ। अच्छा छोड़े, मैं आपको रूम की सेटिंग दिखाती हूँ, मतलब रूम क्लीन दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं सारा रूम जो है क्लीन हुआ है, क्लीन। ठीक है, ये आपकी बहन बैठी हुई है, बाकी देख सकते हैं वहाँ पे भी नजर आ रही बात सोची है। मम्मी का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग भी कह रहे होंगे बस ये एक कमरे में घुसी रहती है, बस घुसी रहती है एक जगह, बस बैठ के वीडियो बनाती रहती है, मैं क्या करूँ, अपने रूम में नहीं बनाऊंगी तो मैं दूसरों के रूम में तो जाके नहीं बना सकती, और मैं हूँ अलकस की मारी मैं छत पे नहीं जा सकती, मैं बाहर उठ के नहीं जा सकती, एक समझ में अलकस की मारी हूँ। तो बल्कि मैं उनका कहते हैं रूम में ही जगह चेंज कर लिया करें, मैंने कहा मैं क्यों, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही व्लॉग्स बनाया करूँगी। अभी ये तो नहीं ना मैं यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ तो मैं उठ के वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी, जो रियल है भाई वो रियल है। और बस मैं आपको जो है अपनी अलमारी का थोड़ा टूर करवा देती हूँ। यहाँ पे मेरे जो है सारे सर्दियों के कपड़े वगैरह सब कुछ पड़ा है, यहाँ पे कुछ गर्मियों के कुछ सर्दियों के सब मिक्स पड़े हुए हैं, मीन्स के जो रखने वाले थे रख लिए थे, बाकी जो मशीन धुलने के बाद ये कुछ गर्मियों के पड़े हुए हैं, बाकी पीछे सर्दियों के पड़े हुए हैं। और ये देखें जी, ये मेरे टावल हैं, ये हरून साहब के टावल है, देख सकते हैं, ये कोई भी चीज़ तरीके से नहीं रखे, पीछे मेरे कपड़े हैं, और ये फुल अलमारी होगी मेरी। और ये है सबसे फर्स्ट में पुराने पाक है, उसके साथ हमने कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई, यहाँ पे हरून साहब की, बस आप हरून साहब की अलमारी देखें, ये भी मैंने सेट करके रखी हुई है, तो थोड़ी पड़ी हुई है, नहीं तो आप इनके हालात चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनके थोड़े से सर्दियों के कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे इनकी शर्ट्स वगैरह पड़ी हुई, यहाँ पे इनके पैंट्स वगैरह, एंड तक सब पैंट्स ही पड़ी हुई हैं। सो ये वाली जो है अलमारी मैंने कल ही सेट की है, इसको मैंने यहाँ से सब एक्स्ट्रा कपड़े जो है मैंने यहाँ से सामने वाली कबर्ड में रखा हूँ, यहाँ पर मैंने बस ये एक फ्रॉक रखी हुई है, और एक ये ड्रेस, और एक ये मेरा कोट है, और ये मेरा मुन्नू है, और ये जो है मैंने सर्दियों की बेडशीट निकाल के रखी हुई है, और ये मेरा ब्लैंकेट है, और ये कुछ हरून के कपड़े वगैरह जैकेट्स,
ये सब रूम की जैकेट्स वगैरह पड़ी हैं, वहाँ पे मेरी बेडशीट्स वगैरह। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता ही है, यहाँ पे मेरे शूज सैंडल्स वगैरह पड़ी हुई, यहाँ पे मेरी वो पड़ी हुई है कपड़े में बैग्स, और ये जो है हरून के शूज़ों का जो है कबर्ड है। बस जी 4 बज के थे और हस्बैंड साहब सारी जो है चीज़ें वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा मैं उठ के जल्दी से चिकन वेज पुलाव बना लेती हूँ। तो ये देखिए चीज़ें सारी आ गई थी, वेजिटेबल्स वगैरह। तो यहाँ पे जी मेरा सारा सामान रेडी था, और यहाँ पे मैंने जो है 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया था, और साथ हमारी गाजर और टमाटर वगैरह और अदरक लहसुन का पेस्ट, सब चीज़ें यहाँ पे रेडी थी। मैंने सब चीज़ें रेडी करके तब स्टार्ट किया था, और यहाँ पे मैंने चावलों को भी खो के रखा हुआ था, और चिकन भी हमारा साफ था, मीन्स हमने साफ़ कर लिया था। बाकी आलू मटर और जो सब्ज़ियाँ वगैरह थी सब कट थी, और सब सामान रेडी था। तो बस आज जी हम टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से अपने जो है वेज जो है चिकन वेज पुलाव हम रेडी करते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल जो है डाल लिया, आपने अपने हिसाब से डाल लिया, अगर कम लगे तो बाद में ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर ठीक हो तो फिर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे हमने बस जो है प्याज का कलर चेंज करना है, इसको गोल्डन ब्राउन कलर टच देना है, और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा जो है चिकन वेज पुलाव रेडी हो गया था, और बस थोड़े से चावल नरम पड़ गए थे, पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया था, नेक्स्ट टाइम से ही ऐड करूँगा जी। बस हम खाना वगैरह खा रहे हैं, और फिर मैं कर देती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हम खाना जी हम खाना खा के हो गए हैं फ्री, तो अभी यहाँ पे जी मैं अपने व्लॉग का करने लगी हूँ एंड। और ये मैं अभी रेडी हुई हूँ, और मैं रात को रेडी इस वजह से हुई हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ वीडियोस वगैरह शूट करनी है। तो बस मैं अभी जल्दी से वो काम करती हूँ, यहाँ पे मैंने कहा अपने व्लॉग को एंड कर दूँ। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स आए, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो वॉच करें। बाय बाय।